तो प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर 2022-23 को। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट में लिंक पेस्ट है, ओपन करके देख लो। साथ में अभी तक आपके जितने पेपर हुए हैं सबकी ऑफिशियल आंसर की अपलोड है, ठीक है। कहाँ पर मिलेगी आपको? कॉमेंट में वो भी मिल जाएगी, तो आप देख सकते हो बिना किसी डाउट को अपने आंसर मैच कर लो, ठीक है। इस चैनल पर क्लास 9th to 12th सबकी ऑफिशियल आंसर की अपलोड होती है जो स्कूल को आती है, ठीक है। तो फटाफट देख लो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 से करेंगे। और हाँ, एक बात और ध्यान में रखना था, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा वाला क्वेश्चन था, कोशिका झिल्ली का निर्माण करने वाले लिपिड और प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होते हैं? देखो ध्यान से एक बार, पहले इसमें कुछ करेक्शन था, तो ये आंसर मैंने आपको बताया था जो कि बुक का है, डायरेक्ट बुक से मैंने फ़ोटो क्लिक की थी और आपको आंसर बता दिया था, ठीक है। क्वेश्चन 6 का अथवा, तो इसमें करेक्शन करना था। आंसर देख लो क्या था इसका, इसमें क्लियर नहीं बताया गया है। जो बच्चे कमेंट चेक करते हैं उनको पता था, मैंने उसी दिन बता दिया था, कमेंट में मैंने पिंड कर दी थी कमेंट और बता दिया था कि प्यारे बच्चों आंसर नंबर 6 में अथवा जो क्वेश्चन है उसमें लिपिड का संश्लेषण अंतर द्रव्य जालिका यानी ER में होता है तथा प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम्स में होता है। ये आपको ध्यान देना था आंसर में, तो आप अगर नहीं किए हो तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये आपको लिख लेना है, ठीक है ना। 6 के अथवा में बुक में मिस्टेक थी, ठीक है ना। बुक की जो पिक मैंने लगाई थी उसमें क्लियर नहीं लिखा गया था, तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है, ये क्लियर कर लेना। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना, ओके। तो देखो क्वेश्चन है, जड़त्व के नियम की व्याख्या कीजिए। अगर क्वेश्चन आ जाए जड़त्व का नियम क्या है, तब भी वही बात है, जड़त्व का नियम किसे कहते हैं तब भी वही बात है। तो आंसर देखो इसका, तो ये आपका आंसर नंबर 11 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि एक नंबर का है तो ये सब नहीं लिखना है, बस आपको लिखना जड़त्व का नियम हेडिंग, न्यूटन की गति को, गति का प्रथम नियम, ठीक है ना, ये प्रथम नियम भी कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार कोई वस्तु अपने विराम अवस्था या एक समान रैखिक गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य ना करे, इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, एक नंबर का हो गया राइट आंसर, ठीक है, आंसर नंबर 11, ओके। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, अथवा वाला क्वेश्चन देखो। चाहो तो आप व्याख्या भी लिख सकते हो, लेकिन एक नंबर में इतना बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, कम से कम चार बार नंबर में क्वेश्चन होता है, 4-5 में तो पूरा लिखते, ठीक है। अथवा वाला क्वेश्चन है, यदि क्रिया हमेशा प्रतिक्रिया के बराबर होती है तो बताए कि घोड़ा एक गाड़ी को कैसे खींच सकता है? आंसर देखो इसका, आंसर ये तो क्वेश्चन है आपका, आंसर देखो लिखा है, घोड़ा गाड़ी की गति, घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपने पैरों से सड़क पर पीछे की ओर बल लगाता है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सड़क भी घोड़े पर समान परिमाण का बल आगे की ओर लगाती है। इस प्रतिक्रिया बल के कारण घोड़ा तथा उसके पीछे जुड़ी गाड़ी आगे की ओर चल पड़ते हैं, ठीक है। इस प्रकार घोड़ा व गाड़ी घोड़े द्वारा लगाए गए बल के कारण नहीं बल्कि पृथ्वी के प्रतिक्रिया बल के कारण गतिमान होते हैं, यानी कि आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये इसका आंसर है, ओके। आगे देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किसी वस्तु के संवेग से आप क्या समझते हैं? अगर क्वेश्चन आ जाए संवेग किसे कहते हैं, संवेग क्या, तब भी यही बात है, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या है? तो दो चीज़ें इसमें पूछी गई हैं, वस्तु का संवेग और एसआई मात्रक। आंसर देखो एक नंबर का है, ये आंसर 12 है, संवेग। तो लिखना किसी वस्तु में समाहित गति की कुल मात्रा को संवेग कहते हैं, एक नंबर का ये है, ठीक है ना, आधे नंबर का ये हो गया। और एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक में लिखना आपको संवेग का एसआई मात्रक क्या है,
किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, ठीक है, ये है, चाहे ये लिख लो चाहे इसे लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। तो एक लाइन ही लिख लेना, संवेग का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है ना। ठीक है, दो चीज़ें पूछेगी, संवेग क्या है ये लिख लो, और संवेग का ऐसा ही मात्रक ये लाइन लिख लेना, ठीक है। आगे देखो, अथवा वाला क्वेश्चन, एक पृथक प्रणाली में जहाँ कोई बाहरी बल नहीं है कुल संवेग क्या होता है, अथवा वाला आंसर देखो, आंसर नंबर 12 का अथवा, यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है। क्योंकि एक पृथक प्रणाली में कोई बाहरी बल नहीं होता इसलिए कुल संवेग स्थिर रहेगा, ठीक है, ये आपका आंसर है, क्लियर है, इतना ही लिखना है, एक नंबर का पूरा नहीं लिखना है, इतना लिखना है, ठीक है। आंसर नंबर 12 हो गया, 12 का अथवा वाला हो गया, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13, जैविक खेती से आप क्या समझते हैं, जैविक खेती से आप क्या समझते हैं, आंसर देखो, एक नंबर का ये भी, ये आंसर नंबर 13 में लिखना है। जैविक कृषि यानी कि खेती, कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं संश्लेषित कीटनाशकों का अप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तथा जिसमें भूमि की उर्वरक शक्ति को बचाए, उर्वरक लिख लेना, बचाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट आदि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, ये नहीं लिखना है, ये आपका आंसर है, आंसर 13, ओके। आगे देखो, अगला क्वेश्चन 14, 15, 16 के लिए ध्यान से समझो, लिखा है दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और अन्य को कारण आर, इन प्रश्नों के उत्तर ए बी सी डी के रूप में देने हैं, जैसा कि नीचे दिया गया है। क्या दिया गया, पहला कह रहा है ए कब लगाएंगे, ए आर मतलब दोनों सत्य हो, दोनों लाइन जो लिखी हैं दोनों सही हों, आर ए की व्याख्या करें यानी कि सही स्पष्टीकरण भी करें तो हमें ए ऑप्शन लगाना है, बी में ए आर यानी दोनों लाइनें सही हों लेकिन आर दूसरी वाली लाइन ए यानी पहली लाइन का, पहली लाइन की बराबर व्याख्या या स्पष्टीकरण ना करें तो बी लगाना है, सी में अगर ए सही है, पहली लाइन सही है, आर गलत है, दूसरी लाइन गलत है तो क्या लगाना है आपको, सी, डी, डी में अगर ए गलत है, ए गलत है, आर सही है तो क्या लगाना है, डी, फिर से समझो, दोनों लाइन सही हो, दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या करे तो ए लगाओगे, दोनों लाइन सही हो, दूसरी लाइन पहली लाइन की व्याख्या ना करे तो बी लगाओगे, और अगर पहली लाइन सही है दूसरी लाइन गलत है तो सी, और अगर पहली लाइन गलत है तो दूसरी को देखना ही मत, डी लगा देना सीधा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, पहला क्वेश्चन, मुर्गी पालन घरेलू मुर्गियों को पालने के लिए किया जाता है, तो पहले बुक में इस लाइन को समझो, अपने आप समझ जाओगे। यहाँ पर कुक्कुट यानी कि मुर्गी पालन के बारे में लिखा गया है, क्या लिखा गया, मुर्गी पालन जो है अंडे तथा कुक्कुट मांस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए मुर्गी पालन किया जाता है, अब वहाँ पर क्या लिखा है, पालतू, पालतू लिखा है ना वहाँ पर, तो इसलिए पहली लाइन तो गलत है, तो गलत है तो साफ साफ डी आ गया, तो इसमें डी ऑप्शन हो गया राइट, ओके। अब देखो दूसरी लाइन को चेक करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहला गलत है डी ऑप्शन लगा दो, ठीक है, वैसे एक बार देख लो चेक करके भी क्या लिखा अभी में, मुर्गी पालन के उत्पादन में अंडे के उत्पादन तथा मांस के लिए ब्रॉयलर, मांस के लिए ब्रॉयलर, ठीक है, तो ये सही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर, यहाँ लिखा है ना ब्रॉयलर का मतलब ब्रॉयलर्स किसके लिए किया जाता है, मांस के लिए पाला जाता है, ठीक है, ये लिखा गया है, तो मतलब वो लाइन क्या आपकी सही है,
ठीक है, चेक भी कर सकते हो आप। तो मतलब अगर पहला राइट है दूसरा देखो ही मत, सॉरी अगर पहला रॉन्ग है तो दूसरा देखना ही नहीं है, डी ऑप्शन लगा देना है। कौन सा हो गया आपका इसमें? डी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15। ए पदार्थ की अवस्थाएं अंतर परिवर्तनीय होती हैं, बिल्कुल सही है। बी कह रहा तापमान या दबाव को बदलकर पदार्थ की स्थिति को बदला जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम तापमान या दबाव को बदलकर पदार्थ की जो मतलब स्थिति है उसको बदल सकते हैं, ठोस द्रव गैस में। ठीक है, तो परिवर्तनीय तभी तो ऐसा हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर दोनों बातें राइट हैं और जो बी है इसकी व्याख्या कर रहा है, यानी कि स्पष्टीकरण भी दे रहा है। तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? ए, इसमें ए लगा देना। ठीक है, ए राइट है आपका, ए से लिख देना। क्वेश्चन नंबर 16। पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है, बिल्कुल सही है। हमारे आसपास का पदार्थ तीन अवस्थाओं में मौजूद है, ठोस तरल गैस यानी ठोस द्रव गैस। ठीक है, तो ये भी सही है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 पढ़ोगे ना तो क्या नाम है, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें आपका डी है, बाकी दोनों में ए है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक में 5 उपभाग हैं, किन्हीं 4 उपभागों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में 1952 में 2010 तक भारत में 1952 से 2010 तक खाद्यान्न उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई है, जिसमें कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में केवल 25% की वृद्धि हुई है। उत्पादन में यह वृद्धि खेती में शामिल प्रथाओं के माध्यम से हासिल की गई है। हम इसे 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं, पहला रोपण के लिए बीज का चुनाव, दूसरा फसल पौधों का पोषण, तीसरा है बढ़ती और कटी हुई फसलों को नुकसान से बचाना। इस प्रकार फसल की पैदावार में सुधार के लिए गतिविधियों के मुख्य समूहों को वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला फसल किस्म में सुधार, दूसरा फसल उत्पादन में सुधार, तीसरा फसल सुरक्षा प्रबंधन। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन किए गए हैं। ठीक है, अब समझना है पहला क्वेश्चन। खरीफ मौसम की अवधि क्या है, मतलब जो खरीफ फसल उगाते हैं कब से कब तक, तो इस पैसेज में तो इसका कोई मेंशन नहीं है, तो अच्छे से आपको चैप्टर पता होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। तो पहले चैप्टर में समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पर लिखा है खरीफ फसल के बारे में, क्या लिखा है, ये फसल बरसात के मौसम में उगती है जून से अक्टूबर तक, खरीफ वाली जून से अक्टूबर तक। उदाहरण काला चना, हरा चना, चावल, सोयाबीन, धान। तो टाइमिंग पूछा ना, जून से अक्टूबर तक हो गया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट है बी, जून से अक्टूबर। ओके, अगला देखो। रबी मौसम की अवधि क्या है, रबी, अब रबी की फसल को देखो पहले, रबी फसल के बारे में, ये फसलें नवंबर से अप्रैल तक के महीने में उगाई जाती हैं, इसीलिए इन्हें सर्दी की फसल कहते हैं। ठीक है, तो नवंबर से अप्रैल तक रबी की फसल, इसमें गेहूं, चना, मटर, सरसों, अलसी रबी फसलें हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर नवंबर से अप्रैल, तो इसमें आपको ए ऑप्शन लगाना है, नवंबर से अप्रैल। ठीक है, ध्यान रखना, बुक को अच्छे से पढ़ो तभी समझ में आएगा। ठीक है, अगला पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में डैश नामक प्रक्रिया द्वारा निर्मित करते हैं,
तो यहाँ पर आपको सीधा ऑप्शन लगा दो प्रकाश संश्लेषण, ये आपको पता होगा छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है ना, प्रकाश संश्लेषण ये ऑप्शन राइट है। ओके आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो उदाहरण याद होगा तभी आप कर पाओगे, अलसी, धान, अरहर, मक्का, तो समझो कैसे हैं, ठीक है। अब इसमें लिखा था खरीफ की फसल में, तो देखो अगर हम अलसी की बात करें तो अलसी किस में है, ये रबी में है, खरीफ में ये नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अलसी रबी की फसल है और ये रखा है खरीफ में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है, तो कौन सी नहीं है, अलसी, क्योंकि ये रबी की फसल है, बाकी सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, खरीफ में, तो ये आपका राइट हो जाएगा ए, अलसी। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है, अब रबी की पूछ रहा है, अब ध्यान से देखना, इसमें सोयाबीन है लेकिन कैसे है देखो पहले समझो एक बार। अब देखो रबी की फसल में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन सोयाबीन दिया हुआ है ना, सोयाबीन देखो किस में आ रहा है, खरीफ की फसल में सोयाबीन आ रहा है, तो रबी वाले में कौन सी नहीं है, सोयाबीन उसमें दिया हुआ है, मतलब ऐसे क्वेश्चन भी घुमा के पूछते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है, सोयाबीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 अगले वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, तब तक कितने की प्रैक्टिस कीजिए, और कमेंट में लिंक पेस्ट है, अभी तक जितने पेपर आपके हुए हैं उनके ऑप्शनल आंसर की देख लो और तैयार कर लो, ठीक है ना, फिर से क्योंकि फाइनल में पूरा सिलेबस आएगा। ओके मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।